welcome back to my channel My Product PD. I hope you are doing well. So in today's video I'm going to share with you my first impression makeup look. So आज की वीडियो होने वाली है इन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, तो लेट्स सी ये मेकअप के प्रोडक्ट्स कैसा वर्क करते हैं कैसा नहीं. तो रिसेंटली में मैंने आपसे नायका एंड पर्पल की हॉल वीडियो शेयर की थी जहाँ से मैंने ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को बाय किए हैं, और ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स मेरे लिए नए हैं. मैंने इसे अब तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आज एक मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ. तो लेट्स सी कैसा ये मेकअप टर्न आउट. ये वीडियो फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो हे दिस इज आयुष, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम मेकिंग वीडियो रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यूज फैशन एंड ब्यूटी. सो प्लीज़ डो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो आपसे मिस ना हो. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर स्टार्टिंग एनी मेकअप मेक श्योर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए. तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ यूज़ की हूँ निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइजर. ओके फॉर द प्राइमर हेयर आई एम यूजिंग सुगर की बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. सो इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेकर अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी. गाइस सच में ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, इसने मेरी स्किन को काफ़ी स्मूथ कर दी है, पोर्स को भी काफ़ी हद तक इसने मिनिमाइज कर दिया है. ओके फॉर द फाउंडेशन हियर आई एम यूजिंग लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्टिंग कवर फाउंडेशन एंड इसमें मेरा सेट है W120 वार्म क्रीम. तो इसमें आपको एक एप्लीकेटर भी मिल जाती है, तो इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी एंड नेक पे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है एंड मैं इसे ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने फाउंडेशन को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड यू कैन सी द कवरेज, काफ़ी अच्छी कवरेज ये प्रोवाइड कर रही है एंड काफ़ी एक फ्रेश लुक भी दे रही है. फॉर द कंसीलर मेरे पास है NY बेकी कंसीलर एंड इसमें मेरा शेड है वाइट एंड मिल्क चॉकलेट पिट्जल. तो लेट्स सी ये कैसा वर्क करती है. तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपनी हाइलाइटेड पॉइंट्स पे जैसे अंडर आईज एंड अपने आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी. आगे मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी. ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जा रही है. मैंने अपने कंसीलर को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड यू कैन सी द कवरेज, इसकी कवरेज काफ़ी नेचुरल है एंड बहुत हाई कवरेज वाला ये कंसीलर नहीं है. ओके नेक्स्ट अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ नायका की ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ये है SPF 15 PA++ और ये आपके 12 आवर्स आपके ऑयल को कंट्रोल करके रखता है, मैट फिनिश देता है, इवन आउट करता है आपकी स्किन को, नेचुरल कवरेज आपको प्रोवाइड करता है एंड ये वाटर रेजिस्टेंट है. इसमें मेरा सेट है आइवरी 01 एंड इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है. ओके नेक्स्ट ब्रश की हेल्प से अपने फेस को सेट कर लूँगी. मैंने यहाँ अपने फेस को सेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट एंड यू कैन सी द डिफरेंस, काफ़ी मैट फिनिश लुक इसने प्रोवाइड किया है एंड काफ़ी हद तक इसने स्किन को इवन आउट कर दिया है. नेक्स्ट अपने ब्राउज को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल एंड इसमें मेरा सेट है डार्क ब्राउन
एंड इधर आपको एक कॉम्ब मिल जाती है एंड अंदर आपको इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे अपने ब्राउज को काफी अच्छे से फिल कर लिया है एंड नेक्स्ट फॉर द आई मेकअप हियर आई एम यूजिंग निका के की आई शेडो पैलेट एंड इसमें मेरा शेड है पॉइजन एप्पल। मैं ये शेड पिक करूंगी। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस टू शेड्स। पैलेट काफी पिगमेंटेड है गाइस, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। इसे अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी। ओके नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस शेड एंड इसे अपनी आईलिड पे अप्लाई करूंगी, जस्ट क्रीज लाइन से जस्ट नीचे। एंड स्लोली स्लोली आपको क्रीज की तरफ बढ़ना है एंड फिर पूरी आईलिड पे इसे धीरे धीरे आपको अप्लाई करते हुए ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं कंसीलर की हेल्प से मिडिल आईलिड पे इसे अप्लाई कर लूंगी। आई एम टेकिंग दिस टू शेड्स। मैं ये शिमरी शेड लूंगी, फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी। You can see the pigmentation. I'm taking this champagne set. शेड लेके मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। फॉर द लाइनर हियर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन की आई लाइनर एंड इससे विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी मैं। इसमें आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट फॉर द काजल, तो काजल के लिए मैं मेरे पास है ये NY बेकी द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल। फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी फॉर द स्मोकी इफेक्ट। नेक्स्ट फॉर द मस्करा हियर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन की मस्करा। मस्करा मैंने अप्लाई कर लिया है एंड यू कैन सी वॉल्यूम ठीक ठाक आपको दे रहा है एंड ये डेली बेसिस के लिए ये मस्करा काफी अच्छी है। जैसा कि ये कह रहा है कि ये लेस ट्विस्टिंग कर्लिंग मस्करा है, तो बहुत लिटिल बिट ही आपके लैसेस को ये कर्ल कर रहा है। ओके नेक्स्ट फॉर द आई लैशेज हियर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैसेज। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज किया है। ओके ऑफ कैमरा मैंने लैसेज अप्लाई कर ली है एंड नेक्स्ट फॉर द फेस कॉन्टोरिंग हियर आई एम यूजिंग शुगर की कॉन्टोर द फोर्स मिनी ब्रॉन्जर इन द शेड टॉप इट टॉपर। ब्लश हेयर आई एम यूजिंग सुगर की कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्लश एंड इसमें मेरा सेड है 05 कोरल क्लाइमेक्स।
ओके, मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट फॉर द हाइलाइटर, सो हियर आई एम यूजिंग बेला वॉस्टे की ल्यूमिनाइजिंग हाइलाइटर और इसमें मेरा शेड है 01 स्पार्कलिंग हाइलाइटर. ये क्रीम बेस्ड हाइलाइटर है, इसे अपने हाइलाइटेड एरियाज पे अप्लाई कर लूँगी. एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी. सो एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूंगी. ओके, नेक्स्ट फॉर द लिप शेड, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है लिप शेड के. तो पहला जो मेरे पास शेड है स्टे क्वर्की की इन द शेड बैक सीट 9 एंड कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट दिखता है. नेक्स्ट है मेरे पास अगेन स्टे क्वर्की की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड ऑन रिपीट 6 एंड नेक्स्ट है पर्पल की मिनी लिपस्टिक इन द शेड माई फर्स्ट सेल्फी 6 के. नेक्स्ट लास्ट जो मेरे पास लिप शेड है वो है शुगर की क्रेयॉन लिपस्टिक. इसमें मेरा शेड है 02 मैरी पॉपिंस. तो मैं शुगर की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट लास्ट मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की मेकअप फिक्सर. सो दिस इज माय फाइनल लुक गाइस. ओके गाइज, बात करूँ प्रोडक्ट्स की तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. सारे प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है. एंड बात करूँ मेकअप फिक्सर की तो ये थोड़ा सा आपको ना जब अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है. तो लेकिन विद इन सेकेंड जब ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन से तो फ्रेग्रेंस बिल्कुल ही हट जाती है. ये सेटिंग स्प्रे काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, काफ़ी ड्यूई इफेक्ट भी देती है. सो ये थी आज की वीडियो. वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन मेकअप लुक कैसी लगी. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो आपसे मिस ना हो. See you soon in my next video. Thanks for watching. Till then, take care. Be safe. Bye.